अब इसे हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इसे बाहर खींच लेंगे। ये देखिए इसके शाफ्ट है और ये इसके अंदर मैग्नेट दे रखी है। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और आज हम इसका करेंगे टीयर डाउन, देखेंगे इसके अंदर क्या है एक्चुअली। ये देखिए इसके तार में ये इसकी पाइप दे रखी थी, ये हमने निकाल ली है, ये इसके पूंछ में और ये यहाँ पे लगती है, ठीक है जी। और इसे देखो यहाँ से तोड़ लेंगे, ये देखिए बिल्कुल सील है, ये यहाँ पे बिल्कुल सील कर रहा है, रखते हैं। इसके अंदर वाइंडिंग होती है इसकी जिससे कि ये मोटर घूमता है। अब यहाँ से हम इसे खोलेंगे, ये देखिए यहाँ पे इसका ये मोटर है इम्पेलर। अब इसे हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इसे बाहर खींच लेंगे। ये देखिए इसकी शाफ्ट है और ये इसके अंदर मैग्नेट दे रखी है, यही इसमें मेन चीज़ है जो काम करती है इसका। यहाँ पे इसका सुराख है, इसके अंदर कुछ नहीं है। यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे ये जो वायर जा रहे हैं इसमें वाइंडिंग है अंदर और उसके ऊपर ये केमिकल डाल रखा है इन्होंने, जैसे सीमेंट टाइट केमिकल है ये, थोड़ी देर बाद सीमेंट बन जाता है। इसके अंदर ही वाइंडिंग है इसकी और ये इसके अंदर जाता है इस तरह से और ये इसके बाद फिर ये शाफ्ट है इसकी, ये शाफ्ट लगती है इसके अंदर और ये ऐसे टाइट पैक हो जाता है और फिर हम इसे क्लॉक वाइज घुमा के दोबारा से इसे कर सकते हैं। ज़्यादातर ये पंप ख़राब नहीं होते, ये ख़राब किस वजह से होते हैं कि अगर जो आपने कम पानी के में चला दिया इसे या फिर इनमें यहाँ पर मिट्टी जम जाती है तो इसे बाहर निकाल के आप यहाँ से कपड़े से साफ कर सकते हैं तो आपका ये पंप बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये देखिए ये ऐसे घूम रहा है लेकिन ये ऐसे नहीं घूमेगा, अब ये देखिए अब आगे नहीं घूम रहा है, तो जब इसकी शाफ्ट चलेगी तभी घूमेगा ये। तो आप इसे रिपेयर भी कर सकते हैं घर पे, इसके अंदर ऑयल लगा हुआ था, देखिए ये चिकने हो गए हमारे हाथ बिल्कुल। ये देखिए हमने इसे पैक कर दिया है और अब मैं इसे आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा होगा चलते हुए, जूम करो थोड़ा, ये देखिए ये चल रहा, बिल्कुल ठीक हो चुका है ये। ये देखिए मैं बंद करके दिखाता हूँ इसे, ये देखिए बंद हो गया, अभी मैं चालू करूंगा इसे, ये देखिए चल गया। तो ये देखिए इसी तरह की हम वीडियो लाते रहते हैं, इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत मेहनत लगी है पंप तोड़ने में।